हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित चौधरी, चैनल का होस्ट, आपका दोस्त। और ये आप पीडीएफ देख रहे हो आपके स्क्रीन पे, जो मैंने FYAC 11th एडमिशन बोर्ड के वेबसाइट से लिया है। आपके डेट देख सकते हो, ये लास्ट ईयर डिक्लेयर किया गया था, वही इस ईयर भी फॉलो होगा, बिकॉज उन्होंने वेबसाइट पे भी सेम पीडीएफ अपलोड किया हुआ है। मैंने वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको बताया कि आप बेस्ट ऑफ फाइव, फॉर बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है CBSE और ICSE वालों का, CBSE का मुझे PDF नहीं मिला, बट उन्होंने भी सेम रूल है और ICSE का भी सेम रूल है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बेस्ट ऑफ फाइव आपके लिए अप्लाई होगा, जैसे स्टेट बोर्ड वाले अप्लाई करते हैं, फाइव बेस्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, उसमें जो भी अच्छा स्कोर है वो उसमें ऐड करके आउट ऑफ 500 स्कोर पुटअप करते हैं। आप भी जब स्कोर भरने जा रहे हो तो ध्यान रखो, वहाँ पर बेस्ट ऑफ फाइव का मार्क्स पूछ रहे हैं, मतलब आउट ऑफ 500, नॉट टोटल। ओके, सो बेस्ट ऑफ फाइव अप्लाई होगा, बट आप यहाँ पर मेंशन किया हुआ देख सकते हो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इधर पर, ये देखिए, फॉर अप्लाइंग बेस्ट ऑफ फाइव रूल, ICSE स्टूडेंट आर अलाउड टू चूज एनी फाइव सब्जेक्ट आउट ऑफ सिक्स सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। आपके जो ग्रुप वन और ग्रुप टू के सब्जेक्ट्स है, उसके जो भी सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किए होंगे, उस छह सब्जेक्ट्स में से पांच सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है बेस्ट ऑफ फाइव रूल में, वो आ जाएगा। जिसमें भी ज़्यादा नंबर है वो आप सिलेक्ट करो, ओके, और वो मार्क्स आउट ऑफ 500 आप ऐड करो सिस्टम में, और उसके बाद वो वेरीफाई आप कराओगे। ओके, वेरीफाई पार्ट वन फॉर्म भरने का वेरीफाई होता है, उसके बाद आप ऑप्शन फॉर्म डालते हो जिसमें कॉलेजेस के लिस्ट डालते हो। अब सेकंड पॉइंट पढ़िए, सेकंड पॉइंट आप देख सकते हो, बी पॉइंट, इफ ICSE स्टूडेंट डिजायर टू कंसीडर मार्क्स स्कोर्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप थ्री, देन सब्जेक्ट कैन नॉट अप्लाई। मतलब ग्रुप थ्री के कोई भी सब्जेक्ट हो, डेट इज कंसिडर्ड एज अ एडिशनल सब्जेक्ट, नॉट अ कोर मेन सब्जेक्ट। सो उसके बाद जो होगा, ओके, वो आप ऐड नहीं कर सकते, वो आप ऐड नहीं कर सकते, वो एडिशनल सब्जेक्ट सिलेक्ट अप्लाई होता है। तो सिर्फ ग्रुप वन और ग्रुप टू के ही सब्जेक्ट्स आप बेस्ट ऑफ फाइव में अप्लाई कर सकते हो, ग्रुप थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो माइंड में ये क्लियर रखो, ओके, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। अब बोलोगे सर आई डोंट नो ग्रुप वन क्या है, ग्रुप टू क्या है, मेरे स्कूल में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए उसके अकॉर्डिंग मैंने सिलेक्ट किया, तो दैट इज योर, मैंने आपको आपके स्क्रीन पे आपको क्लियरली विजिबल होगा, ये है आपके ग्रुप के सब्जेक्ट्स। ओके, ग्रुप वन में इंग्लिश है, सेकेंड लैंग्वेज है, ओके, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी है, ये ग्रुप वन के सब्जेक्ट्स हैं। ग्रुप टू के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स है, साइंस है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इंक्लूड होता है, इकोनॉमिक्स है, कमर्शियल स्टडीज़ है, मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज है, क्लासिकल लैंग्वेज है, इन्वायरमेंटल साइंस है। ये सारे सब्जेक्ट ग्रुप वन और ग्रुप टू के सब्जेक्ट है। ग्रुप वन में सेकेंड लैंग्वेज में हिंदी भी हो सकता है, मराठी भी हो सकता है, कोई और लैंग्वेज भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो ये सारे सब्जेक्ट में, मतलब टॉप टेन आपको दिख रहा होगा, टॉप टेन में से जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसमें से बेस्ट फाइव सब्जेक्ट जो होगा आउट ऑफ 100, मतलब 100 मार्क के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ओके, वो पांच सब्जेक्ट जिसमें आपको अच्छा स्कोर आया है, वो पांच सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, उसको मार्क्स ऐड करना है, और वो मार्क्स आपको सिस्टम में ऐड करना है आउट ऑफ 500। ओके, ग्रुप थ्री आपको दिख रहा होगा, ये ग्रुप थ्री में मैं आपको नाम के लिए बता रहा हूँ, बट ये आपको ऐड नहीं करना है, ये ऐड नहीं होगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इकोनॉमिक एप्लीकेशन है, कमर्शियल एप्लीकेशन, आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, होम साइंस, कुकरी, फैशन डाइज, फिजिकल एजुकेशन, योगा, टेक्निकल ड्राइंग, एनवायरमेंटल एप्लीकेशन, मॉडर्न एंड फॉरेन लैंग्वेज, और मास मीडिया कम्युनिकेशन भी है जो इसमें ऐड नहीं किया है, बाद में ऐड किया गया। तो ये सारे ग्रुप थ्री के सब्जेक्ट है जो इंक्लूड आप नहीं कर सकते बेस्ट ऑफ फाइव में, आपको सिर्फ ग्रुप वन और ग्रुप टू के सब्जेक्ट्स ही ऐड करने हैं। CBSE वालों, आपने जब भी सब्जेक्ट के रिजल्ट देखे होंगे वेबसाइट पे, आपको पहले फाइव सब्जेक्ट एक साथ दिख रहे होंगे, फिर एक एडिशनल सब्जेक्ट का कॉलम होगा, उसके बाद एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स दिख रहे होंगे, तो एडिशनल सब्जेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते CBSE स्टूडेंट। आप सिर्फ ऊपर के पांच सब्जेक्ट जो आपको दिख रहे हैं उसके ही मार्क्स ही ऐड करके आउट ऑफ 500 आपको पुट करना है। CBSE का मैं PDF मैंने बहुत ढूंढा, बट PDF अवेलेबल नहीं है, बट लास्ट ईयर से मैं देखते आ रहा हूँ, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यही रूल्स कहते हैं कि टॉप 500 आफ्टर टॉप 5 सब्जेक्ट जो आपको इस रिजल्ट में दिख रहे हैं वही आपको डालना है, मतलब अबाव 5 एडिशनल सब्जेक्ट जो भी आपके दिख रहे हैं रिजल्ट में वो आप पुट नहीं कर सकते, वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में इंक्लूड होता है, ओके, कोर और मेन सब्जेक्ट में इंक्लूड नहीं होता है, तो वो आप डाल नहीं सकते। अगर आप डालते हो तो आप डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाओगे, आप प्रोसेस में एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो उसमें भले ज़्यादा मार्क्स हो या कम मार्क्स हो, ऊपर के जो मेन फाइव सब्जेक्ट्स में रिजल्ट दिख रहे हैं वो आप सिर्फ चेक करना। ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोई भी डाउट डिफिकल्टी है इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे कनेक्ट करो, मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, किसी पे छूट गया तो दोबारा मैसेज करो, वो हाईलाइट होगा टॉप पे और मैं उसे आंसर करूंगा। मैंने रात को 1 बजे तक भी रिप्लाई किया, सारे स्टूडेंट के आंसर मैंने दिए हैं, सॉल्व कर दिए। ये कॉमन क्वेश्चन सबके साथ आ रहा था मुझे ICSE और CBSE स्टूडेंट के लिए, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, अदरवाइज मुझे बहुत ज़्यादा लैक ऑफ टाइम है। और या साउथ मुंबई से मुझे बहुत रिक्वेस्ट आए, उसका वीडियो मैं एज सून एज पॉसिबल लेके आऊँगा, संडे को मैं लेके आने वाला हूँ कल, सो आप वेट कर सकते हो, आप शेड्यूल देखो, बहुत ज़्यादा टाइम है अपने पास, अच्छे से 10 कॉलेज सिलेक्ट करो, उसके बाद ही सिस्टम में पुट करना। तब तक ICSE CBSE स्टूडेंट वाले जो पार्ट वन के बाद वेरीफिकेशन का काम है वो पूरा आप कर लो। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।